हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले एक 90,000 रुपीस का पीसी बिल्ड। और पहले ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि गाइज ये जो होने वाली है वीडियो और ये जो बिल्ड है ये मेरे लिए नहीं है, ये मैंने एक्चुअली कस्टमर को बिल्ड करके दिया गया था। तो इसलिए जो है मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आपको भी एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि अगर आप इस टाइम पीरियड में COVID-19 के जो इतने प्राइस बढ़े हुए हैं मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, उस टाइम पीरियड में अगर आप एक 90,000 रुपीस का पीसी बिल्ड करते तो क्या ऑफर होती है चीज़ें और क्या आपको लगाना चाहिए और क्या आपको मिलेगा। इसे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो हम सब देखने वाले इस वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो यार अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसेसर के साथ में, और जो हम प्रोसेसर इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं वो है AMD की तरफ से आने वाला राइजन 7 3700X। बेसिकली ये गाइस 8 कोर और 16 थ्रेड का प्रोसेसर है, जिसमें आपको बेस फ्रीक्वेंसी 4.4 GHz की मिल जाएगी, 36 MB की कैश मेमोरी मिल जाएगी। और ये एक काफी तगड़ा प्रोसेसर है अगर आप कोई CPU बेस्ड हेवी टास्क करने वाले हो या फिर आप कोई आर्किटेक्चर ब्लेंडर वगैरह यूज करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, उन सारी चीजों के लिए ये प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। सबसे बड़ी हाईलाइट वाली बात इस प्रोसेसर की ये है कि आपको ब्रेथ प्रिज्म कूलर मिलता है, यानी कि आपको कूलर के अंदर बहुत सारी RGB देखने को मिलेगी क्योंकि फुल्ली कस्टमाइज होने वाली है और काफी तगड़ी भी दिखती है। तो गाइस ये प्रोसेसर ना वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर, मैं आपको इसको मान के चल सकता हूँ। नेक्स्ट आइटम जो हम इस बिल्ड में ऐड करने वाले हैं वो है रैम। रैम हम यूज कर रहे हैं Corsair की 8GB की DDR4 रैम, 3000 MHz का क्लॉक है, और हम ड्यूअल चैनल मेमोरी यूज करने वाले, यानी कि 8 GB के दो स्टिक, यानी कि 16GB ऑफ रैम हम यूज कर रहे हैं। अब इन टाइम पीरियड 16GB RAM मस्ट होती है बिकॉज बहुत सारी गेम्स ऐसी होती है कि 12 से 13 GB जो है ले ही लेती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है Corsair की RAM यूज करने वाले हैं इस बिल्ड में। अगर हम बात करें मदरबोर्ड की तो हम यूज कर रहे हैं MSI की तरफ से आने वाला X570A Pro मदरबोर्ड, क्योंकि 4000 सीरीज को सपोर्ट करता है, यानी कि एक फ्यूचर प्रूफिंग वाला मदरबोर्ड है जहाँ पे आपको AM4 सॉकेट सपोर्ट करता है। ये राइजन 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन को सपोर्ट करेगा। अगर आप राइजन 2nd जनरेशन यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, और राइजन 7 3700X ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठेगा। वर्क ऑफिंग के लिए भी ये काफी तगड़ा वाला मदरबोर्ड है, तो ये मदरबोर्ड हमारे बिल्ड के लिए परफेक्ट रहा। ग्राफिक्स कार्ड जो हम इस बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं वो है MSI के तरफ से आने वाला RTX 2060 Super Venturous Edition। इसमें आपको 8GB की VR RAM मिल जाती है, साथ में जो है आपको आराम से जो है इसमें 2K गेमिंग कर सकते हैं आप, 1080p 60fps नहीं तो हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग भी कर सकते हैं। इसमें आप अल्ट्रा सेटिंग पे सारे गेम चला सकते हैं, ये कैपेबल है आपको अच्छे खासे फ्रेम रेट देने पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको वन ऑफ द बेस्ट GPU एट द प्राइस रेंज में बोल सकता हूँ, इसको काफी वर्थ इट रहेगा। SSD की बात करते हम यूज करने वाले ADATA की तरफ से आने वाली 256GB NVMe SSD। इस बिल्ड में मैं हार्ड ड्राइव यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कस्टमर के पास ऑलरेडी हार्ड ड्राइव थी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 to 2 TB आप हार्ड ड्राइव ले, मिनिमम 1 TB आप हार्ड ड्राइव ले सकते हैं, आप WD ब्लू आ जाती है नहीं तो बैराकूडा आ सकते हैं सीगेट की तरफ से, ये दोनों ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं क्योंकि आपको मास स्टोरेज के लिए बहुत जरूरत होगी। यहाँ पे हम लोग एक RGB फैन भी इंक्लूड कर रहे हैं अपनी तरफ से, बिकॉज उनको जो है जो कंपनी की तरफ से फैन आ रहा था वो नॉन RGB था तो कैबिनेट में था, तो उनको वह चेंज करके एयरकूल का हमने नया RGB फैन लगा के दिया है। ये बेसिकली इसका मॉडल नेम है DO12। ये है 120mm का फैन जो कि ARGB सपोर्ट करता है, यानी कि आप हर एक लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं, फुल कस्टमाइज कर सकते हैं, और एक अच्छा RGB फैन है जो कि हमारे काफी तगड़ा सपोर्ट करेगा इस पूरे बिल्ड को। यहाँ पे जो हम लोग एक पावर सप्लाई यूज करने वाले वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली 750W की, इसका प्राइस काफी ज्यादा जरूर है और ये ओवर किल बोल सकते हैं आप इसको, बिकॉज हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते 750W का पावर सप्लाई। अगर आपका बजट ज्यादा बढ़ रहा है तो आप 650 यूज कीजिए, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगी। यहाँ पे अगर बात करें कैबिनेट की तो कैबिनेट बहुत तगड़ी चूज की गई जो कि एरोकूल की तरफ से ही आती है, एक व्हाइट कलर व्हाइट एडिशन है इनका, और यहाँ पे कोई व्हाइट कलर भी देखने को मिलता है और एक ब्लैक कलर भी है, लेकिन कस्टमर ने व्हाइट कलर चूज किया गया है। यहाँ पे आप 120mm के 3 फैन लगा सकते हैं, ये दिखने में काफी स्टाइलिश है, मेटालिक बॉडी है, सामने का फ्रंट पैनल थोड़ा प्लास्टिक की है बट बाकी फुल बॉडी जो मेटालिक फिनिश के साथ में आती है, ग्लॉसी फिनिश है तो काफी अच्छा शाइन करता है ये, और व्हाइट बिल्ड रहने की वजह से जो है RGB काफी अच्छे से ग्लो करती है। सामने की तरफ आपको एक लाइन दिख जाती है और वो एक लाइन में जो फुल RGB स्ट्रिप लगी हुई है, वो आप ऊपर में एक बटन दी गई है RGB की जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर की मदद से उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये एक माइनस पॉइंट है। यहाँ पे आपको जो है 2 2.0 के पोर्ट मिल जाएंगे, एक SD कार्ड रीडर भी मिल जाएगा और एक 3.0 का USB पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, एक पावर ऑन बटन और एक रीसेट बटन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा पूरा PC बिल्ड कंप्लीट, और यहाँ पे आपके सामने रहा ये फाइनल लुक इस PC का। We'll be right back.
दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, आने वाले कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाओ। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नोटिफिकेशन का भरोसा मत करो, यूट्यूब देता नहीं है, इसलिए आप अपने पहले से नोटिफिकेशन बेल दबा के रखो ताकि जो है आपको मेरे जो रिकमेंडेशंस और जो है वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और अगर लगता है कि कोई भी दिक्कत थी या फिर आपको लगता है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहिए था तो आप मैं सबको चैट बता सकते हैं नीचे कमेंट करके ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकूँ। फ्यूचर में आने वाले वीडियोज में काफी सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में कुछ भी कंटेंट देखने को मिला है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे और काफी कुछ मसालेदार कंटेंट आने वाले वीडियोस में को देखने को मिलेगा इस चैनल पे। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक रेडी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। शबा केयर केयर आज के विश अभी मेरे लाइफ गुड नाइट पीस आउट गुड बाय।